ये कहानी है एक ऐसे सुपर हीरो की जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। सभी लोग उससे नफरत करते हैं और इसीलिए वो भी लोगों से नफरत करता है। वो हमेशा ही लोगों के नुकसान करता रहता है। इस मूवी का नाम है हैंकॉक। फिल्म की स्टार्टिंग में हम हैंकॉक को एक बेंच पर सोते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उससे कहता है कि तुमने न्यूज नहीं देखी क्या। जिसके बाद हैंकॉक टीवी देखता है, जिसमें वो देखता है कि कुछ चोर एक गाड़ी को लेकर भाग रहे हैं। जिसके बाद हैंकॉक उस सीट के नीचे से अपनी शराब की बोतल को उठाता है और उस सीट को तोड़ते हुए आसमान में उड़ जाता है। दरअसल हैंकॉक के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। उसके पास एक आम आदमी से 100 गुना ज्यादा ताकत होती है। अब उड़ते उड़ते वो उस गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है जिसे चोर चुराकर भाग रहे थे, और अब वो इस गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ तक आने में उसने काफी सारी तोड़फोड़ की होती है, और अब ये लोग तुरंत हैंकॉक पर काफी सारी गोलियां चलाते हैं, जिससे उसकी शराब की बोतल और चश्मा टूट जाता है, जिससे हैंकॉक को बहुत गुस्सा आता है। पर हैंकॉक को एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि गोलियों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो उनकी गाड़ी को उड़ाकर एक खंभे में अटका देता है। अब यहाँ पर हैंकॉक ने इन चोरों को पकड़कर पुलिस की मदद तो की होती है, लेकिन उसने शहर में हद से ज्यादा तोड़फोड़ की होती है। अब रात को हैंकॉक एक बार में जाता है और उसके पास एक लड़की आती है। वो हैंकॉक के साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, और फिर ये दोनों हैंकॉक के घर जाते हैं। और यहाँ पर हैंकॉक का घर दो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जिनमें उसके सभी सामान होते हैं, और अब वो लड़की उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन इसके लिए हैंकॉक उसे मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। पर वो लड़की कुछ नहीं समझती और उसके फोर्स करने पर हैंकॉक मान जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम उसे जल्दी ही दूर हो जाना, और थोड़ी देर में हैंकॉक उसे जल्दी से दूर होने के लिए कहता है, और वो अब उसे जल्दी से धक्का दे देता है। और अब बाहर से हम उनकी गाड़ी को देखते हैं, जिसमें 3 छेद हो गए होते हैं। दरअसल यहाँ पर उसका रिलीज हो गया होता है। अब अगले दिन हम रेलवे क्रॉसिंग को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी रेलवे क्रॉसिंग के बीच फंस गया होता है, और अब तुरंत यहाँ पर ट्रेन भी आने लगती है। अब वो अपनी गाड़ी से उतरने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं उतर पाता। और अब इस आदमी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी वहाँ पर हैंकॉक आ जाता है, और ट्रेन हैंकॉक से टकरा जाती है और ट्रेन का चूरा हो जाता है, और इसी के साथ साथ ट्रेन के सारे डिब्बे पटरी पर से उतर जाते हैं। हालांकि ये एक मालगाड़ी होती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, हैंकॉक को सब गाली देने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुमने एक आदमी को बचाने के चक्कर में पूरी ट्रेन को खराब कर दिया। अब इसके बाद सभी लोग उस पर और तेज चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हैंकॉक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ये अब रोज की बात हो गई होती है। अब वो आदमी गाड़ी से निकल कर आता है जिसकी जान हैंकॉक ने बचाई थी। इस आदमी का नाम रे होता है। अब यहाँ पर हैंकॉक कहता है कि आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं सिर्फ इस आदमी की वजह से ही जिंदा हूँ। जिसके बाद वो हैंकॉक को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रे हैंकॉक से कहता है कि मेरी गाड़ी तो अब खराब हो चुकी है, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दोगे। और ये सुनते ही हैंकॉक उसकी गाड़ी को हवा में उड़ा देता है और सीधा उसके घर पर पहुंचा देता है। अब जैसे ही यहाँ पर रे उतरता है, तो उसका बेटा बाहर आ जाता है, और वो हैंकॉक को देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद रे हैंकॉक को उसके साथ खाना खाने के लिए बोलता है, और अब इसके बाद हैंकॉक उनके घर के अंदर जाता है और रे की फैमिली के साथ खाना खाता है, जहाँ पर रे का बेटा हैंकॉक को बोलता है कि एक लड़का मुझे स्कूल में परेशान करता है। तो हैंकॉक उसे बोलता है कि तुम उसे सबक सिखाओ, तुम उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन में दे मारो। अब इसके बाद जब सब खाना खा लेते हैं, तो हैंकॉक वापस जाने लगता है। तो जाते जाते हैंकॉक को रे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हें पसंद करें, तुम हमेशा सभी लोगों की मदद करते हो, पर उसके बदले में तुम्हें हमेशा गालियाँ ही मिलती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब रे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं पब्लिक के सामने तुम्हारी इमेज को ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अब रे उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है, जिसके बाद हैंकॉक वहाँ से उड़कर चला जाता है। अब इस सब के बाद रे अपने कमरे में आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें हैंकॉक से दूर रहना चाहिए, इसका कोई भी फायदा तुम्हें नहीं होगा। टीवी में सभी लोग इसके बारे में गलत बताते हैं, वो दिन भर इसकी हरकतें टीवी पर दिखाते रहते हैं, और इससे तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि हैंकॉक कैसा है। अब रे उससे बोलता है कि तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने ऐसे भी नहीं कहा है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम हैंकॉक को देखते हैं, जो उन्हीं की छत पर बैठा होता है और ये सभी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर बैठकर वो सोचता है कि अब से वो अच्छे काम करेगा, और इसी सोच के साथ वो अगले दिन रे के पास जाता है, जहाँ रे हैंकॉक को उसकी हरकतों की वीडियोस दिखाता है, जहाँ हैंकॉक एक आइसक्रीम वाले से उसकी आइसक्रीम छीन लेता है, और वहाँ पर उसके कपड़े भी जले हुए होते हैं, और सभी लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद रे हैंकॉक को बताता है कि इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुम्हें नापसंद करते हैं। इसके जवाब में हैंकॉक उसे बताता है कि मैंने कई लोगों की जान जलती बिल्डिंग से बचाई थी, इसीलिए मेरे कपड़े जल गए थे, और प्यास बुझाने के लिए मैंने आइसक्रीम खा ली थी। इसके बाद रे हैंकॉक की एक और वीडियो दिखाता है, जिसमें एक व्हेल को वो समुद्र के किनारे से उठाकर दोबारा समुद्र में फेंक देता है,
जो कि सीधा एक जहाज पर जाकर गिरती है। हैंकॉक बोलता है कि ये मुझसे गलती से हो गया था। रेब उसे बताता है कि तुम सभी लोगों की मदद करते हो, बट फिर भी सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं, जिस वजह से तुम भी लोगों से नफरत करते हो। तभी वहाँ पर रेकी वाइफ आती है और कहती है जल्दी से टीवी देखो। अब जैसे ही ये लोग टीवी चलाते हैं तो टीवी में हैंकॉक की ही न्यूज़ चल रही होती है और सभी लोगों की ये डिमांड होती है कि हैंकॉक को जेल में डाल दिया जाए। टीवी में एंकर ये भी बताती है कि हैंकॉक को अब तक कोर्ट में 6 बार बुलाया जा चुका है, जिनमें से वो एक भी बार कोर्ट में नहीं आया है। अब रे हैंकॉक की तरफ देखकर कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, अब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा लोग चाहते हैं। फिलहाल लोग ये चाहते हैं कि तुम जेल जाओ, तो तुम वैसा ही करो। और हैंकॉक इस बात के लिए मान जाता है और सीधा जेल चला जाता है और अपने आप को कानून के हवाले कर देता है। लेकिन जेल में वो जैसे जाता है, जेल के सभी खतरनाक कैदी उसे घेर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जेल जाने की वजह हैंकॉक ही होता है। और अब ना चाहते हुए भी हैंकॉक को उन्हें पीटना पड़ता है, जिसके बाद हैंकॉक जेल में आराम से रहने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम शहर में देखते हैं, हैंकॉक के जाने के बाद शहर में अपराध बढ़ गया होता है, क्योंकि जब हैंकॉक शहर में होता था तो अपराधियों को डर होता था कि हैंकॉक उन्हें पकड़ ना ले, लेकिन उसके जेल जाने के बाद उन्हें पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता है। अब कुछ दिन बाद मिलने हैंकॉक से रे आता है, जहाँ पर हैंकॉक रे को बताता है कि वो जेल में रहकर बोर हो गया है, लेकिन वो फिर भी जेल से बाहर नहीं जाता। रे उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर 8 साल काटने हैं, क्योंकि तुम्हें 8 साल की सजा मिली है। हैंकॉक उसे बोलता है कि मैं 8 साल यहाँ पर नहीं रह सकता। रे उसे बोलता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया और जेल के सारे कानून माने तो तुम्हारी सजा कम भी हो सकती है। अब ये सुनकर हैंकॉक वहाँ का दरवाजा तोड़ देता है, क्योंकि अब उसे बाहर जाना होता है। लेकिन पीछे से रे उसे आवाज लगाता है। रे उसे कहता है कि लोग सही कहते हैं, तुम एक नकारा हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम एक कायर हो। हैंकॉक बोलता है क्या तुम जानते हो तुम ये किसको कह रहे हो। रे बोलता है कि तुम एक हीरो हो, तुम एक आम आदमी नहीं हो, तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम लोगों की हमेशा भलाई ही चाहते हो और तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, और तुम चिंता मत करो, हमारे हालात जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब रे की ये सब बातें सुनकर हैंकॉक इमोशनल हो जाता है और यहाँ उसे पता चलता है उसकी तोड़फोड़ के कारण ही लोग उससे नफरत करते हैं। और वहीं चारों तरफ ये बात फैल रही होती है कि हैंकॉक के जाने की वजह से खुलेआम क्राइम हो रहे हैं। अब एक दिन हैंकॉक अपने बिस्तर पर सो रहा होता है कि तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है। वो उसे बोलता है कि शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और हमें तुम्हारी जरूरत है, कुछ खतरनाक आतंकवादियों ने शहर के कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। और अब हैंकॉक अपने पहनावे को सुधारता है, वो एक ऐसी ड्रेस पहनता है जो रे ने उसके लिए बनाई होती है, जिसके बाद हैंकॉक उस जगह पर उड़कर जाता है जहाँ पर वो आतंकवादी होते हैं। लेकिन आज वो यहाँ पर अपनी लैंडिंग बहुत आराम से करता है, जिससे कि यहाँ की जमीन नहीं टूटती। और यहाँ पर आते ही वो सभी ऑफिसर्स को कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो यहाँ पर ऐसा इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि रे ने उसे ऐसा कहा होता है कि तुम्हें सभी ऑफिसर्स को कहना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए रे यहाँ सभी को बहुत अच्छा काम कर रहे हो कहता रहता है। अब एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि गाड़ी के पीछे एक ऑफिसर फंसी हुई है, तुम जाकर उसे बचाओ। हैंकॉक अब उस ऑफिसर के पास जाता है तो उससे पहले पूछता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, तो वो ऑफिसर उसे कहती है कि तुम मुझे बस बचा लो। उसके बाद हैंकॉक उस ऑफिसर को बचा लेता है। उसके बाद हैंकॉक काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने अच्छा काम किया। अब वो ऑफिसर उसे कहता है कि जाकर अब लोगों की जान बचाओ, जिसके बाद हैंकॉक उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहीं पर हम उन आतंकवादियों को देखते हैं जिन्होंने काफी सारे लोगों को बंदी बनाया होता है, और अब उन्हें अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिससे वह समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ होने वाला है। और तभी वहाँ पर हैंकॉक आता है, और इससे पहले कि ये आतंकवादी कुछ कर सकें, उससे पहले ही इनका एक आदमी गायब हो जाता है और इन्हें यहाँ पर पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कौन आया था और कौन चला गया। इसके बाद हैंकॉक फिर से आता है और उनके 2 आदमियों को और ले जाता है। अब वहाँ पे सिर्फ एक आतंकवादी बचता है, जिसके बाद हैंकॉक वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो आतंकवादी अब हैंकॉक को कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा और यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद वो आतंकवादी हैंकॉक को कहता है कि अब मेरा बचा हुआ काम तुम करोगे। अब हैंकॉक उसे बोलता है फिर से बोल के दिखाओ, और वो आतंकवादी फिर से बोलता है एसहोल एसहोल, जिससे हैंकॉक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक ब्लेड उसकी तरफ फेंक कर मारता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। जिसके बाद हैंकॉक सभी लोगों के साथ बाहर आता है, जिसके बाद हैंकॉक एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक हाथ को देखता है जिसमें एक रिमोट होता है। दरअसल ये वही हाथ होता है जिसे हैंकॉक ने काट दिया होता है। अब इस अच्छे काम के बाद पुलिस हैंकॉक को कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, जिसके बाद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और सभी लोग उसके लिए चिल्ला रहे होते हैं। और ये देखकर हैंकॉक को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसा मोमेंट उसकी जिंदगी में पहली बार आया होता है। हालांकि हैंकॉक लोगों की मदद हमेशा ही करता रहता था, लेकिन इस बार पहली बार लोगों ने उसके काम की तारीफ की होती है। और ये सारी रिपोर्ट अब टीवी में चल रही होती है, जिसे रे देख रहा होता है।
और रेस को देखकर बहुत खुश होता है। और अब पूरा शहर हैंकॉक के साथ होता है और अब हैंकॉक जिस भी जगह जाता है लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूवी का हाफ एंड हो जाता है और इस मूवी को मैंने दो पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट को मैंने अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन किया है एंड सेकंड पार्ट को मैंने अपने दूसरे चैनल विनायक मूवी थिएटर चैनल पर एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। और आज के बाद आपको उस चैनल पर भी इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगी। और जिस तरह से आपने विनायक मूवीज अपडेट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है उसी तरह विनायक मूवी थिएटर चैनल को भी सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए